नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं इफ्लोरेसेंस के बारे में। दोस्तों, ये इफ्लोरेसेंस होता क्या है? हिंदी में इसका मीनिंग दोस्तों है तो वैसे नोनी, मगर नोनी होती क्या है? दोस्तों, अक्सर आपने अपने दीवारों पे जब अपना घर बनवा रहे होंगे तो कुछ टाइम के बाद ही, ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, कुछ टाइम के बाद ही आपकी दीवारों पर सफ़ेद रंग के पैचेज नजर आते होंगे। दोस्तों, काफ़ी बार प्लस्तर करवाने के बाद भी ये पैचेज नजर आते हैं दोस्तों, और काफ़ी बार आपका प्लस्तर करवाने, पेंट करवाने के बाद जब पैचेस नजर बाहर निकलते हैं, ये नोनी बाहर आती है दोस्तों, तो आपके घर के लुक को तो खराब करती ही करती है दोस्तों। बहुत ही बेकार लगता है जब ये सफेद पैचेस बाहर आती है। तो अक्सर दोस्तों, आपने अगर कहीं कहीं पे ब्रिक वर्क करवा रखा है तो ब्रिक वर्क कुछ अगर कुछ टाइम बीत जाए उस ब्रिक वर्क को, तो भी दीवार पे वो सफेद पैचेस आपको बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों, ये आते क्यों है, इसका कारण क्या है आने का हमारे दीवारों पर, इससे बचा क्यों जा बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के दोस्तों कारण तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आते क्यों है हमारे दीवार पे। अगर दोस्तों आपको ये पता हो कि आते क्यों है ये हमारी दीवारों पे, तो आप वैसे भी अपने आप ठीक कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि ना हो ये फ्लोरेसेंस हमारी दीवारों पे, हमारे घर में, हमारे घर की दीवारों पे। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप कितना भी बचाना चाहो ये थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आती ही है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह, और दोस्तों आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, जो इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा फ्लोरेसेंस वाली एक बात है, इस पे दोस्तों जब हमारा बिल्डिंग बनती है तो हम इसमें काफी बार क्या करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर को दे करके बहुत आराम से बैठ जाते हैं कि अब तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, अब वो हमारा मकान बना देगा, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेते दोस्तों। एक दो बार राउंड मार लिया, एक दो बार देख लिया, भाई तराई हुई नहीं हुई। मगर दोस्तों, इसमें काफी बार हमें बहुत सावधानी से बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, ध्यान देनी पड़ती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे मकान में सही चीजें लगा रहा है नहीं लगा रहा है, सही मटेरियल लगा रहा है नहीं लगा रहा है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखें तो हम इन्फ्लोरेसेंस से बच सकते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है दोस्तों, क्यों आता है हमारे दीवारों पे? दोस्तों, इसके बहुत से कारण, सबसे बड़ा कारण दोस्तों एक ही चीज है, वो है पानी। मतलब कि वाटर कंटेंट आपका कहीं भी बिल्डिंग में कहीं भी मौजूद रहेगा ना, तो आपका इफ्लोरेसेंस होना ही होना है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि यार दीवार पे कहां पे वाटर कंटेंट आ गया? होता है दोस्तों, काफी बार आप तराई करते हो या फिर ब्रिक बनी होती है, अब ब्रिक जो है वो कैसे पानी से बनी है ये आपको नहीं पता। तो होता क्या है, जब आप ब्रिक लग जाती है आपके दीवारों पे, उसके ऊपर जब हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज कर लेते हैं, तो उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, जब वो वाटर कंटेंट बाहर आता है गर्मी लग करके, तो उसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना दोस्तों, वो हमारे ब्रिक के सरफेस पे दिखाई देने लग जाता है, वही हो जाती है हमारी न्यूनी। इसलिए दोस्तों, मेन इसका एक ही चीज है, वो है वाटर कंटेंट। और इसमें कई कारणों से होती है, जैसे कि अगर आपके जमीन अगर शुष्क रहती है, वो जमीन की, उस जगह की जमीन कैसी है जहां पे वाटर कंटेंट उस सॉइल में अवेलेबल है, तो आने वाले टाइम में आपकी जमीन से होते हुए वो आगे ऊपर आपको नोनी दिखाई देगी। काफी बार होता होगा दोस्तों कि आपने पूरा घर बना लिया, सेम ब्रिक से ब्रिक वर्क करवाया है पूरे घर में, ए टू जेड ऊपर से लेकर के नीचे तक, मगर एक कोने में नोनी आनी चालू हुई। अब बोलोगे दोस्तों, पूरा घर तो हमने एक ही चीज से बनवाया, एक ही ईट से बनवाई, तो एक कोने में नोनी आनी कैसी कैसी, सिर्फ कोने में ही नोनी क्यों आई? दोस्तों, अगर हम उस नोनी का इलाज नहीं करेंगे जो कोने में आई है, तो वो धीरे 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 करके आप देखना पूरे घर में फैल जाएगी। अक्सर दोस्तों होता क्या है, काफी बार आप फ्लोरिंग करवा रहे हो, तो फ्लोरिंग करवाते ही टाइम करवाने के बाद अब स्कर्टिंग के ऊपर देखना दोस्तों, नोनी आने लग जाती है, प्लस्तर झड़ने लग जाता है। क्यों होता है दोस्तों? वाटर कंटेंट। आपने फ्लोरिंग में पता नहीं किस, अगर फ्लोरिंग में भी आपने वाटर कंटेंट जो यूज किया है, पानी जो यूज किया है दोस्तों, वो कैसा पानी, अगर वो पानी खराब है तो आपका नोनी आएगी। इसलिए सबसे पहले वो स्कर्टिंग के ऊपर आती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों सॉइल तो मैंने बता दिया, अगर आपके जमीन में गीलापन है तो वो जमीन से आपके ब्रिक जो होता है, वो ब्रिक जो होता है, एक ईंट जो होती है वो
हमेशा एक ईट जो होती है वो वाटर कंटेंट को अपने अब्जॉर्ब करता है, अपने मतलब पानी जिस चीजों को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वो पानी जो अब्जॉर्ब करता है तो धीरे 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 वो ब्रिक बाय ब्रिक चढ़ते हुए आपके घरों में आ जाती है। और बड़ी बड़ी दो दो मंजिलों पर, तीन तीन मंजिलों पर आप देखते होंगे कि सफेद पैचेस पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं दोस्तों? आप जब अपना घर का काम करवा रहे हो, जब क्यूरिंग करवा रहे हो, तो क्यूरिंग, वो क्यूरिंग जो हो रही है वो कैसे पानी से हो रही है, मतलब कि वो ऑलमोस्ट मीठे पानी से होगी, तब उसमें जब नमक वाला कंटेंट नहीं जाएगा, सॉल्ट कंटेंट नहीं जाएगा, तो वो न्यूनी नहीं आएगी, और न्यूनी नहीं आएगी तो आपकी दीवार कम खराब होगी दोस्तों, जल्दी खराब नहीं होगी। आप प्लस्तर करवाते हो दोस्तों, काफी बार प्लस्तर करने से पहले न्यूनी आती है, कभी प्लस्तर करवाने के बाद न्यूनी आती है। वो इसलिए दोस्तों प्लस्तर करवाने के बाद न्यूनी आती है क्योंकि प्लस्तर में काफी बार अल्कलाइन मिलता है दोस्तों, और जब जब वो प्लस्तर का सीमेंट या प्लस्तर का जो रेती है उसमें वो रेत जो आई है वो गीली है, और उसमें कैसा वाटर कंटेंट मिला हुआ है, उस कारण से भी वो अल्कली आ जाए, मतलब उसके नोनी आ जाती है दोस्तों, उस कारण से वो सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। ये सफेद धब्बे इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम पे आपकी दीवार झड़ने लग जाती है, दीवार प्लास्टर झड़ने लग जाती है काफी बार। एक कारण दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि डीपीसी, अगर आपने घर में ढंग से डीपीसी या वाटर प्रूफिंग नहीं करवाई है नीचे जमीन पे, तो भी ये नूनी आती है। वो क्यों आती है दोस्तों? आपने डीपीसी नहीं करवाई, डीपीसी नहीं करवाई। अब होता क्या दोस्तों, नीचे से जब आपने जमीन से जो मॉइस्चर है वो जब आपकी जमीन, जब वो आपके दीवार पे लगेगा, दीवार पे लगेगा जो मॉइस्चर, वो दीवार पे लगेगा तो धीरे 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 वो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो धीरे 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 आपकी पूरी दीवार पे वो नोनी फैलती जाएगी, और पूरा दीवार आपका धीरे धीरे खराब कर देगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही खराब होता है हमारी बिल्डिंग्स के लिए। ध्यान रखिए दोस्तों, आज की वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, प्लीज इसको ध्यान से देखें दोस्तों। कई बार इस नोनी के कारण हमारे, आपने पेंट करवा दिया, बहुत महंगा पेंट करवा दिया, बहुत महंगा सब कुछ कर लगवा दिया, उसके बाद भी आपका पेंट झड़ने लग जाता है, पेंट खराब होने लग जाता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आज के लिए दोस्तों मैंने बताया आपको जो कारण, ये कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत कारण है। आप इनको, इस वीडियो को अगर समझ नहीं आएगी क्यों होती है, तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इस नोनी से, इफ्लोरसेंस से बचने के उपाय बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त आता रहेगा ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर के। प्लीज जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं, और हाँ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो नहीं लगी है तो कमेंट करके बताएं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, मैं अपने अंदर वो ठीक करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।